बिना काजू कतली के दिवाली का त्योहार कैसे मनाएं? इसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। इसके लिए मार्केट से काजू कतली लेने जाते हैं, पर जरा सोचिए, क्या गारंटी है कि आप जो इतनी महंगी काजू कतली ला रहे हो वो आपकी प्योर है? इसलिए कोशिश कीजिए, जैसे भी बनाने आए घर पर बनाइए। आप खुद बनाएंगे, जो काजू डालेंगे आपके सामने है। एक और बात है, मार्केट में जब हम काजू कतली लाते हैं कई बार तो वो ड्राई बहुत होती है, और ये होता है कि जितना काजू उससे कहीं ज्यादा चीनी बहुत मीठी होती है। तो इसलिए सारे ट्रिक्स को समझिए, काजू कतली खुद ही घर में बना लीजिए। काजू कतली बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। काजू साबुत ले, आपकी च्वाइस है, या काजू टुकड़े ले, ये च्वाइस आपकी है। जो भी आपके पास है वो लीजिए। मैंने तो जो काजू भिगो के रखे हैं ना, वो मैंने 400 ग्राम काजू भिगोए हैं और दोनों ही टाइप के लिए हैं, मतलब काजू भी लिए और काजू के टुकड़े भी लिए। आज काजू कतली बनाने का तरीका भी हम चेंज करने वाले हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि काजू कतली का पाउडर ही हमारी मिक्सी में नहीं बन पाता है। तो हमें वो पाउडर ही नहीं बनाना आता तो हम आगे ही नहीं बढ़ते। जब भी हम सब्जी के लिए या किसी वजह से कोई रिच ग्रेवी के लिए काजू को भिगोते हैं, उसकी जो मिट्टी या मैला पानी दिखता है ना, उसके बाद मेरा भी मन किया कि सच में हमें काजू कतली बनाने का तरीका ही चेंज कर देना चाहिए, जिससे वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए पाउडर बनाने की। तो काजू कतली के लिए आप काजू को कम से कम 2 से 3 घंटा पहले भिगो के रख दीजिए। भिगो के रखेंगे ना, इस तरीके से गंदा पानी निकलेगा, चाहे किसी भी क्वालिटी के आपके पास काजू हो। तो ये पानी आप फेंक दीजिए, दूध में भिगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दूध भी आपका वेस्ट ही जाना है, तो क्यों ना पानी में ही उसे भिगो कर रख दिया जाए। पानी साफ जब तक ना निकले तब तक आप उसे धो लीजिए, उसके बाद एक छन्नी में रख दीजिए। अब इसे पीसने का बस खास तरीका है जो मैं आपके साथ बताऊंगी, और किसी भी मिक्सी में आप उसे पीस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मिक्सी आप सभी जानते हो अंदर अलमेरा के अंदर है, वहीं मैं उसी में ही ग्राइंड करती रहती हूँ। मैंने सोचा आप सही उसके सारे ट्रिक्स को समझ लो, इसलिए मिक्सी को मैं बाहर लाई हूँ। अभी देखिए, जब मैं मिक्सी में पीस रही हूँ ना, तो दरदरा तो हुआ है लेकिन वो पिसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पानी की एक बूंद भी नहीं डाली ना। 3 टेबलस्पून हद से हद डालेंगे पानी, धीरे धीरे करके डालेंगे। 4 भी डल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 400 ग्राम काजू में 4 टेबलस्पून बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 1-1 टेबलस्पून करके डालिए, है ना। चलाते रहिए स्पैचुला से और उसके बाद धीरे धीरे डालते रहिए। ये छोटी सी ट्रिक है, इसे जरूर फॉलो करो, घबराओ नहीं। एक और भी बाद में बताऊंगी बात, जिसकी वजह से बिल्कुल पेस्ट इतना फाइन बन जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इस काजू कतली में हमें चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स परेशान होते हैं कि कभी काजू कतली की चाशनी मोटी हो गई तो ड्राई हो गई या पतली हो गई, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, अभी भी प्रॉपर नहीं पिसा है ना। अब बारी आती है चीनी की। मैंने आपसे पहले ही बोला ना कि चीनी मार्केट में कितनी डालते हैं, जितना काजू उससे ज्यादा चीनी। जैसे 400 ग्राम काजू थे तो हम 450 ग्राम इसमें चीनी डालते या 500 ग्राम भी डाल देते, लेकिन मैंने लिया है 300 ग्राम पाउडर। और अपना पाउडर भी चीनी का जो डालोगे ना, वो आधा डालो, और आधा डालने के बाद इस पेस्ट में डालकर थोड़ा चला लो, फिर ग्राइंड कर लो, बचा हुआ पाउडर फिर से डाल दो, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ रही है ना। 4 टेबलस्पून अंदर पानी है तो पानी छोड़ रही है, तो अपने को क्या करना होगा, इसे मिक्स करके ग्राइंड करना होगा। अब जो फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। ये देख, ये है काजू कतली का पेस्ट, देख लिया आपने, है ना मजेदार सी बात। मैंने पहले आपके साथ कई बार पीनट की कतली बताई है कि कैसे बनानी चाहिए। अब आप एक पैन ले लीजिए, अगर नॉन स्टिक है तो कोई बात नहीं, नॉन स्टिक नहीं है तो हल्की सी घी की आप ग्रीस कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे स्लो गैस पर, ध्यान रहे स्लो गैस पर, स्लो गैस पर आपको इसे पकाना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक जाते जाते और भी दे देती हूँ। मिक्सी में ना खूब सारी पेस्ट लगी रहती है, कितने भी निकालने की कोशिश करो नहीं निकलती है, ज़्यादा करो तो फिर ब्लेड ढीला हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करो, उसमें थोड़ा पानी डालो, पानी डालकर आप क्या करोगे, थोड़ा ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करोगे ना तो जो पानी निकलेगा उसको काजू कतली में नहीं डालना है, वो पानी आपको किसी भी सब्जी में डाल देना है, खीर में डाल देना है, क्योंकि ना वो खीर से काजू वाला पेस्ट ही है ना, थोड़ा मीठा भी है तो चलेगा, खीर में भी चल जाएगा, या कोई मिठाई बना रहे हो उसमें चल जाएगा, या फिर सब्जी में, मेरे यहाँ तो सब्जी में डाल देते हैं। अब बारी आती है
बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको इसे चलाते रहना है कंटिन्यूसली। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे पर बहुत बढ़िया बनेगी। और इसमें बीच में हम क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगी। आप देखिए ये मिठाई जो बन रही है ना बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्राउन मिठाई अच्छी नहीं लगती है, कभी भी आपको ना मतलब अच्छी नहीं लगेगी अगर नीचे से लग जाएगी, तो इस बात का खास ध्यान रखें। और दूसरा इंग्रेडिएंट ही नहीं है, देखो सिर्फ काजू और चीनी, अभी कुछ भी नहीं डाला है ना, तो इसलिए आपको ध्यान से इसे पकाना होगा। जैसे जैसे आप देखोगे स्लो गैस पर पक पक के वो थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी, और इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक गोली नुमा हाथ में न लगे। फुल कर नहीं सकते गैस और स्लो पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, एक आध बार बीच में चेक कर सकते हो मिश्रण को, अभी नहीं पका है। जब आपको इस कंडीशन में काफ़ी ड्राई लगे, साइडों से पक रहा है बिल्कुल बढ़िया है, 400 ग्राम था ना काजू, तो 4 टेबलस्पून आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। और नहीं डालना है पूरी तरीके से वो ऑप्शनल है, आपको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा, गोली नुमाना मिश्रण हो जाए तब तक आपको पकाना होगा। आप हाथ से लगाएंगे चिपकेगा नहीं, वो गोली नुमा मिश्रण हो रहा है मतलब तैयार है। अगर आपका मन करे तो 100 ग्राम पे 1 टेबलस्पून आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। तो मैंने 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और इस मिश्रण को ऐसे बिल्कुल बीच में आ गया है, यहाँ तक मैंने इसे पकाया है। अब आप जब लास्ट में बिल्कुल फाइनल हटाने वाले हैं तब आप इसमें आधा चम्मच से भी कम एक घी डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कढ़ाई से पूरा का पूरा मिश्रण निकल जाएगा। एक बटर पेपर पर आप इस मिश्रण को डाल दीजिए। अब आप देख रहे हो पेपर पे बिल्कुल नहीं चिपक रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। लेकिन आपको जब तक वो पूरी ठंडी ना हो जाए बिल्कुल, जरा सा भी उसमें गुनगुनापन ना रहे, तब तक आप उसे छोड़ दीजिए। चाहे 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, च्वाइस आपकी है। जब इस तरीके से डो हो जाए तो आपकी च्वाइस है, आप बटर पेपर पर करें, चॉपिंग बोर्ड पर करें, स्लैब पर से बेलें, जैसा भी आप बेलना चाहें बेल सकते हैं। आधे आधे पोर्शन को करें, मैं तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े पोर्शन को करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ इसका चौकोर पीस निकाल लेती हूँ। और हाँ, अगर आपको ये डायमंड शेप नहीं चाहिए, इसमें बहुत टाइम जाता है, तो नॉर्मल किसी भी शेप में चौकोर काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सारा जो मैं स्केल से कर रही हूँ ना सिर्फ डायमंड शेप के लिए, अगर आपको नॉर्मल कटली काटनी है बस जैसे नॉर्मल बर्फी, तो बस कोई बात ही नहीं है। इसको फिर वापस जो साइड बचते हैं उसको मैं फिर से गूंथ के दोबारा बेलती हूँ। आप तो बेल के कटिंग कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं ना तो मेरे चाकू से चिपक रही है ना वो स्केल से चिपक रही है, बड़ी इजीली ऐसी चौकोर पीस हो रही है। तो बस, और मोटाई भी मैंने ना नॉर्मल से थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा रखी है। आप इसी के समोसे बना सकते हो, इसी की कचौड़ी बना सकते हो, अंदर फिलिंग डाल सकते हो, रोल बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेन डो आपने बनाना सीख लिया, ये जो मास्टर डो होता है ना इसी से ही सारी काजू कतली की मिठाइयाँ बनती हैं। अब आप बताइए कि आपको कितना टाइम लगा। अगर मार्केट में इतना टाइम ये लोग लगाएंगे, ये लोग तो काफ़ी सारी और चीज़ें डाल देते हैं जिससे आपको पता ही नहीं चलता। और ख़ास तौर से काजू कतली जब भी आप लो ना मार्केट से, त्यौहार के टाइम मत लीजिए, बाकी टाइम आप लीजिए चलेगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है। डिमांड इतनी ज़्यादा होती है और ऐसे में बस वो कुछ भी करते हैं, जैसे मावा भी प्योर आपको कभी नहीं मिलेगा मार्केट से। तो आप कोशिश कीजिए त्योहारों में तो घर पर ही बनाइए। अब आप नाप कर इसे कट करते जाइए। जब आप नाप करके कट कर लोगे उसके बाद अब जब आप शेप दोगे तो परफेक्ट आपको काजू कतली का शेप भी मिलेगा। मेरी बेटी का जो बेटा है ना, मतलब मेरा नवाजा, वो उसको हम बर्फ वाली मिठाई नहीं देते, उसको काजू कतली बेहद पसंद है। और मैं यहाँ से बना के भेजती हूँ उसको, और हमेशा उसने बिना वर्क के ही उसको बना के भेजती हूँ। अब हम इसे इस तरीके से शेप देते रहेंगे। बहुत सॉफ्ट है तभी हल्का सा थोड़ा चिपक भी रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी झोल नहीं है, ये सब आपके सामने ही है। और ये देखिए, अगर वर्क लगानी है तो वर्क को पहले लगा लीजिए फिर कटिंग कर दीजिए। मैं सब तरीके से आपको बता रही हूँ। आप काजू कतली के डो से ना पेड़े भी बना सकते हो, मोदक भी बना सकते हो। मतलब आपने एक चीज़ जब सीख ली ना, अब आप उससे कुछ भी बना सकते हो। कैसी लग रही है आपको ये काजू कतली, मुझे एक कमेंट आपका करना तो बनता है। मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ ना, मुझे मतलब इतना सुकून मिलता है ना कोई भी रेसिपी को परफेक्ट बनाने में, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही, पर आपके साथ जो भी मैं शेयर करती हूँ ना बहुत दिल से शेयर करती हूँ। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है ना,
मैं आपके लिए जो वीडियो बनाती रहती हूँ बड़ी खुशी से बनाती हूँ। मेरी टीम भी यही कहती है कि आंटी आप थकती नहीं हो, सच में नहीं थकती, क्योंकि ये मुझे बहुत खुशी देता है। और आपके कमेंट्स पढ़ के तो मैं इतना खुश होती हूँ, आपको क्या बताऊँ। व्यूज चाहे जितने मिले, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो कोशिश किया कीजिए आप मेरे साथ जुड़े रहें इस कमेंट्स के थ्रू, और अगर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और हाँ जितना हो सके शेयर किया कीजिए, जिससे होगा ये हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमारी फैमिली तक वो रेसिपी पहुँचेगी, जिससे हम ही तो हैं जो एक दूसरे को रेसिपी पहुँचा सकते हैं, और कौन पहुँचाएगा, तो आप लोग ही तो हो ना मेरे। तो आप प्लीज़ रेसिपी को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे हर घर में काजू कतली क्या कोई भी रेसिपी बन सके।